आज मैं लाया हूँ 10 ऐसे प्रोवर्ब जिसे हमें अपने डेली लाइफ में अक्सर सुनना पड़ता है या बोलना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स सीखिए वो 10 प्रोवर्ब्स जिसे जानकर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो लालच सभी बुराइयों की जड़ है, यानी लालच ही सभी बुराइयों की जड़ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी सभी बुराइयों की जड़ लालच ही है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लैम, यानी अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए या तुम्हें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहना हो आखिर में क्या होता है वही मायने रखता है, यानी अंत में क्या होता है यही बात मायने रखता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे All is well that ends well, यानी आखिर में क्या होता है यही बात मायने रखता है। कई बार इस बात को लोग ये भी कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर आपको कहना हो किसी के बाहरी दिखावे से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, यानी किसी के बाहरी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे All that glitters is not gold, यानी किसी इंसान के बाहरी दिखावे में नहीं आनी चाहिए या किसी इंसान के बाहरी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसी बात को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हर चमकता चीज सोना नहीं होता। अगर आपको कहना हो अक्सर जो ज्यादा बोलते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी अक्सर जो ज्यादा बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं या वे कुछ नहीं करते हैं। लोग इस बात को ऐसे भी कहते हैं जो कुत्ते भोंकते हैं वे काटते नहीं हैं। अगर आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, यानी अगर आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया आपके लिए बेहतर है अच्छी है। जिसके पास कम नॉलेज होता है वो दिखावा करने के लिए ज्यादा बोलता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, यानी जिसके पास कम नॉलेज होता है वह दिखावा करने के लिए अक्सर ज्यादा बोलता है। अगर आपको कहना हो जैसा जो करता है वैसा वो पाता है, या जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू इविल्स एंड लुक फॉर लाइक, यानी जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, या जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आपको कहना हो जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो दोनों में कुछ न कुछ कमी होती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, यानी जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो दोनों में कुछ न कुछ कमी होती है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेते, यानी अपने एरिया के ताकतवर लोगों से झगड़ा मोल नहीं लेते, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन नॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप, यानी पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेते या अपने एरिया के ताकतवर लोगों से बैर नहीं लेते। अगर आपको कहना हो गिफ्ट की कीमत नहीं देखते या तोहफे में मिली चीज की कीमत नहीं देखते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी तोहफे में मिली चीज की कीमत नहीं देखते या दिए गए गिफ्ट की कीमत नहीं देखते। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रोवर्ब्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए बाय।